एक मिनट मैं आपदा होर नवा मेरे नाल जो बीती। श्री गुरु सिंह सभा तैरान ईरान दिच दास हर साल जाता रहा है 15 दिन लिए। भाई मक्खण सिंह थोड़े दिन होने इतें ही गुजर गए हैं। 50 साल उन्होंने महाराज के अस्थान की सेवा की, भावें उन्होंने स्पेयर पार्ट की अपनी दुकान सी, पर शौकिया तौर पर अंदरूनी लगन करके 4 बजे उन्होंने आके प्रकाश करना, शामी उन्होंने ही रहरास पढ़नी, सुखासन उन्होंने करना, कड़ा प्रसाद की देख उन्होंने बनानी, वंडनी उन्होंने, अरदास उन्होंने करनी। प्रोफेसनल नहीं सन पर फिर भी सारी सेवा 50 साल की थी। श्री गुरु सिंह सभा 15-20 मुसलमान भी आते सन, रोज़ आते सन। दस पिछों फ्रंटियर तो आया है, ऐसा कोई गुरद्वारा नहीं आता सी जिते 10-20 मुसलमान ना बैठन। अद्धे तो ज़्यादा हिंदू आते सन, 10-20 मुसलमान आते सन, केसाधारी 40% आते सन। डिस्ट्रिक्ट बन्नू, पिशौर, कुहाट, डेरा इस्माइल खान, हजारा, मरदान, उस पासे ही कुछ सी आंदे सन मुसलमान। कुछ मुसलमान मंग भी करते सन, कबीर दे सलोक सुनाओ, फरीद दे बोल सुनाओ, रागियां नू कहंदे सन, कीर्तनियां नू कहंदे सन। और मैनू अजे तक भी याद है मस्ती च झूमदे मुसलमान गुरुद्वारियां च बैठे होंदे सन, मस्ती च झूमदे हुए सहीदारी बैठे होंदे सन। सहीदारी उन्हां नू कहंदे सन जो हैगे ते हिंदू लेकिन इष्ट बना बैठे गुरु नानक, केस रख के ते फिर कटा के बैठे ने गुस्ताखी माफ कद सहीदारी ने, इन्हां नू पदत कहंदे ने, माफ कर देना मैनू, मैं एक दफा फिर माफी मंगा, इन्हां नू सहीदारी नहीं कहंदे, हिंदू ने, हिंदुओं च ही सिख बने, सारे हिंदुओं च ही बने। गुरु नानक की बाणी तो प्रभावित हो गए, गुरुद्वारे आने लग पे, इष्ट मन बैठे गुरु नानक न, सहीदारी ने किसी दिन प्रभावित हो गए, फिर केसाधारी भी हो जाएंगे, सिंह हो जाएंगे, सिख तो है नहीं, जो गुरु नानक न मनता सिख तो है, सिखी सिखिया गुरु विचार। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, उत्थे 10-15 मुसलमान भी आते सन मेरे पुछण दे, दस्या मैंने 2-4 सजना ने दुबई दे अजे भी आते हैं, भावें इस्लामी हुकूमत बन गई उत्थे, बड़ी कट्टर हुकूमत बन गई है, लेकिन फिर भी कुछ मुसलमान गुरुद्वारे आते हैं। एक मुसलमान तो उत्थे कीर्तन भी करता सी, ये भी मैं अर्ज करा, उन्हें सिख लिया सी, चूम चूम के करता सी, मस्ती च करता सी। खैर मुख्तसर मैरज करा, 15 दिन बाद कथा की समाप्ति ते जो मैं भारत वापस आना से, एक सूफी फकीर भी सुनन ले आंदा सी, बाहर किधरे शहर तो बाहर तैरान बाहर एक कुटिया च रहिंदा सी, 2.5 मील का सफर पैदल चल के आंदा सी, पैदल ही वापस जांदा सी, रस्ते च आंदा होया कोई सिंह देख लवे ते गड्डी च बिठा लेंदा सी, नहीं ते 5 मील की यात्रा रोज़ पैदल करदा सी, सवेरे चल पैंदा सी गुरुद्वारे आना, फिर वापस पैदल ही जांदा सी। उन्हें भेटा वजो मेरे अगों एक माला रख दिती, माला नू तस्बी कहंदे ने। समाप्ति तो बाद उस फकीर नू मैं कह मैं रख ले तू, मैं कह माला इंडिया च बहुत मिलदियां ने, हिंदुस्तान च बहुत मिलदियां ने, ले लियांगा, क्योंकि उसकी हालत मैं देखी सी, मैं कह तुसी रखो फिर तुहानू होर खरीदनी पएगी, रखो। मैनू कहण लगे तुसी सिंघां नू ते नहीं आख्या, जो नजराना दिता है ले लिया, मैं एक गरीब ने ए माला भेट की थी, मैं वापस कर दे, मेरी तोहीन है। उसकी अखां बार आईयां, मैं तो नजराना भेट किया है, और नजराना भेट किया है जो मैं थोनों सुनता रहा, ये थोनों कबूल नहीं, मैं बहुत चोट लगेगी, मैं रख ले वो माला, मैं रख ली। आप दी ग्याथली अर्ज करा, गालबन ए घटना सन 74 की होगी, 80-81 तक वो माला मेरे को रही है, 2 दफा मेरे को ट्रेन दे रह गई सी,
यात्रियों ने घर पहुँचाई तो मैं उन्होंने कह 5-10 रुपए की माला सी तुसी सैकड़े रुपए किराया खर्च के अलवर आए हो एवें कह चल गई थी। कहने लगे नहीं थोड़े हाथ च देखी सी फिर जमीर नहीं मनी भी पहुँचाइए। 2-4 दफा गुरुद्वारों च भी खो गई मैं मिल गई। खास जिहड़ी घटना मैं तुहानू सरवण करान लगा हैरान हो गए। कानपुर दास हर साल गालबन 40-45 साल तो 9-10 फरवरी तो लैके 19-20 फरवरी तक 10 दिन कथा करता है 40-45 साल मैनू अगण मेरा नागा नहीं पिया। लखनऊ दे दास की कुड़माचारी सरदार पूरन सिंह जी जैवलर्स उन्हां दी पोती दास दे छोटे बच्चे नू व्याही हुई है। वह कथा सुन के बड़े शौकीन शाम को आ जाया करते सन 45 मील है उतो रात रह के मेरे को सवेरे चले जाया करते डेली अप डाउन करते। एक दिन सराने पई हुई माला देख के मैनू कह लगा अगैनी अनूप सिंह भी शायद उन्होंने दिन मेरे नाल सुनता ही मुस्कुरा रहे ओ मैनू कह लगे ऐ माला मैं लखनऊ ले जानी है शामी वापस ले आवांगा। मैं चुके दे दी थी। मैं आखिर वापस कानू ले आनी रखो तुसी रखो वापस की ले आनी तुहानू चंगी लगी रख लो। मैनू कहन लगे मस्कीन जी मैं रखनी कोई नहीं शामी मैं ले आवांगा मैं देखनी है। खैर समाप्ति मैं करन लगा ले गए। जब शामी आए तो मैनू कहन लगे पुखरा आ जाए एक एक मणका 10-12 हज़ार का तुसी इधर सुट देंदे हो इधर सुट देंदे। मैं कभी सुपने च भी नहीं सोच सकता सी कि वह फकीर जिहदे कपड़े पाटे हुए ने मैनू पुखराज की माला देवेगा। उन्होंने कहा पुखराज है संभाल के रखना संभाल के मैं की रखा उसे रात ही खो गई अजे तक नहीं मिले खो गई। सारिया नू पता चल गया पुखराज कीमती है समझ है ते पुखराज पुखराज है वरना नहीं है। समझ है ते हीरा हीरा है वरना नहीं है। समझ है ते सोना सोना है वरना नहीं है। समझ है ते परमात्मा परमात्मा है वरना नहीं है। समझ है ते गुरु गुरु है वरना नहीं है। हे प्रभु तू मेरी समझ तो दूर है। जब तू मेरी समझ च नहीं है तो मेरे चेते च किस तरह आवेगा किवें आवेगा।